अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एंड आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। और बस आज का व्लॉग था, आज घर में बस बच्चों की और हस्बैंड की डिमांड थी कि आलू के कबाब बनाए जाएं और साथ पकोड़े बनाए जाएं, तो पकोड़ों का मेरा काफ़ी गर्म हो गया, साथ नान रायता सैलड वगैरह जो भी है वो साथ में खाएंगे। तो बस मैंने ना तैयारी कर ली, इधर मैंने कबाब रखे थे, डाल दिए थे तवे पे फ्राई होने के लिए। उसके बाद मैं फिर चली गई थी ज़रा 2 मिनट के लिए शाल की बात सुनने बाहर, वो होमवर्क कर रहे हैं तो उससे बताते हैं, मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। तो बस मैंने ना इतनी देर में मेरे पकोड़ों का जो ऑयल था ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो बस मैंने कहा चलो ना मैं डाल लेती हूँ अब ये कबाब ही और मज़ीद डाल लेती हूँ, तब तक के लिए ना मेरे ये जो ऑयल है ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो जी ये जो कबाब है ना ये हैं तो उसके ही हैं, आलू वाले कबाब हैं, लेकिन इसकी मैंने रेसिपी थोड़ी सी चेंज की है। इसमें ना मैंने, बहुत सारे लोग शायद बनाते भी होंगे इस तरह से, इसमें मैंने वो ऐड किया है ब्रेड क्रम 2 स्लाइस ऐड किए हैं बीच में, जस्ट, और धनिया और पुदीना वो मिक्सर में मैंने ब्लेंड करके तो वो ऐड कर दिया था, और बस वही ऐड किया था साथ मैंने। मैंने कहा चलो ज़रा ना टेस्ट डिफरेंट बना के देखते हैं, तो शेप आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बना सकें। इस दफ़ा मैंने ये वाली शेप्स बनाई हैं, यानी कि मैंने स्क्वायर या राउंड सर्कल शेप्स नहीं बनाई हैं। डिफरेंट शेप्स बनाने से ये होता है कि बच्चों का ज़रा ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है खाने में, उन्हें लगता है कि अट्रैक्टिव लगती है कोई भी चीज़। तो बस मैंने बस थोड़ी सी यही कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो बाकी है तो वही हैं, आलू के कबाब विदाउट चिकन, सिंपल आलू वाले कबाब हैं। और यहाँ मैंने ना वो बना दिया था इसका पेस्ट पकौड़ों का, तो ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, आई मीन कि रख दिया था सेट होने के लिए। तो अब मैं इससे पकौड़े मिक्स करके ना अब पकौड़ों में डाल दूँगी, आई मीन ऑयल में डाल दूँगी, पकौड़ों में नहीं। बस ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना ध्यान, एक ध्यान उस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, तो बस ये बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि एफर्ट हो रही है या कर रहे हैं हम या जो भी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो बस यही कहना था। तो बस अभी मैं ना ज़रा ये डाल के अपना ऑयल ट्राई करती हूँ कि ये ठंडा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही पक गया था कुछ, तो मैंने कहा वो ना हो कि हमारे ना पहले ही गर्मियों में सारा कुछ पका हुआ है तो हमारे पकौड़े भी पके हुए बन जाए। तो बस अच्छा जी, कबाब तो ना मैं ऐसे ही लो फ्लेम पे बनाती हूँ, ज़रा ना क्रिस्पी हो जाते हैं और ब्राउन ब्राउन से बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं बनते, तो अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो हमारा ऑयल ना अभी भी थोड़ा सा गर्म है, तो चलें ये एक पकौड़ा बन गया ज़रा ऑयल टेस्टिंग के लिए, वैसे मैं टेस्ट करती नहीं होती, चलो इसी तरह इसी बहाने टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट यानी कि नमक मिर्च या जो इसका स्पाइसेस हैं वो टेस्ट हो जाएंगे। तो जी बस मैंने कहा चलें आज एक्स्ट्रा से मुराद यानी कि क्या मैंने लंबी चौड़ी वीडियोस बनानी है, तो लंबी चौड़ी तो उतनी ही होगी, लेकिन आज भी खाने के लिए बस मेरे पास यही है। मैंने कोई पूरे दिन का व्लॉग शूट नहीं किया, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किए हैं, तो बस क्योंकि अगर थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो बस 2 दिन से कुछ काम नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा चलो आज जो कर रही हूँ वही दिखा देती हूँ। और कल मैंने बनाए थे ब्लैक चने और चावल, तो ये लेफ्ट ओवर चने हैं मेरे जो बच गए थे, तो ये मैं इन्हें वॉश कर लिया। तो हम यहाँ मैंने ना आलू काट लिए हैं, आलू मैं ये पहले बॉयल कर चुकी थी पहले, नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा कर लेती। यहाँ से मैं फारिग होकर ना ये बॉयल होने रख दूँगी, तो फिर ये आलू चने हम बना लेंगे थोड़े से प्याज और टमाटर डाल के और लेमन डाल के। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैंने ना वो ओके यहाँ मैंने रायता भी बना लिया था और मैंने सैलेड भी सेट कर लिया अच्छा सा, कि ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि
खाना थोड़ा सा लगे कि भाई चलो सिंपल ही है, लेकिन सिंपल में भी बहुत टाइम लगता है, यानी कि टाइम तो जाता ही है। खाना सिंपल हो या जो भी हो, आपको किचन में टाइम तो देना ही पड़ता है खाना खुना बनाने के लिए। तो बस मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि चलो बच्चों को भी अच्छा लगे और हस्बैंड को भी अच्छा लगे। खाना आप जितना मर्जी अच्छा बनाने से थोड़ा सा और डेकोरेट कर लें या उसकी सर्विंग अच्छी हो जाए, तो चाहे खाना सिंपल भी हो ना तो सर्विंग अच्छी हुई हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस ये मैं सारे कबाब तो नहीं बनाऊँगी, तो एक दो ही और बनाऊँगी, ये थोड़े से सेट होते हैं तो फिर इनको मैं साइड पे करके बीच में वो भी डाल के तो ये काम तो ख़त्म करूँ, फिर पकौड़ों की तरफ आऊँगी, क्योंकि पकौड़ों का ऑयल सेट हो गया हुआ है। तो बस अब मैं ये डाल लूँ फिर पकौड़े डालती हूँ। तो चलें जी, कबाब हम चार लोग हैं, तो वैसे मैं उस हिसाब से तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर पकोड़े भी हैं ना साथ, तो फिर पहले से बने हों तो फिर इतने नहीं खाए जाते हैं। तो चलें जब मैं नए बनाऊँगी ना, यानी कि दोबारा जब खाने होंगे तो तब ही फ्राई कर लूँगी, तो तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो बस ये हो गए हमारे। तो जी मैंने एक पकौड़ों का वो लॉट निकाल ली थी, अब मैं दूसरा डालने वाली हूँ। तो बस मुझे ये सारे तो नहीं बनाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ आलू वाले कबाब भी हैं। तो बस ये हम ना थोड़े ही और बनाएंगे, तो अगर ज़रूरत हुई तो देख लेंगे, अदरवाइज़ ये हमारे लिए इनाफ है। तो बस ये काफ़ी है, और ये जो बाकी है ये मैं ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दूँगी, क्योंकि ये भी और हमें नहीं चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो बाद में बना लेंगे, नहीं तो कल बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही बना लें सारा। तो बस ये हमारे घर कोई 800 बाद बन